Good morning, students. I hope you all will be fine. Today we will discuss our chapter number 11. The topic is Part Become Responsible. The meaning of responsible is Jimmedar ya Uttardayit. The lesson will start with game on late for school. Now start. Parth is late for school. पार्थ को स्कूल के लिए लेट हो रहा है बट हिज कार आइदर रन लो ऑन फ्यूल ऑन हैज ए फ्लैट टायर लेकिन उसकी कार दौड़ती है या तो फ्यूल्स के ऊपर लो स्पीड से या हैज ए फ्लैट टायर या फिर उसकी कार के जो टायर हैं वो फ्लैट समतल है हेल्प पार्थ आओ हम मदद करें पार्थ की रीच स्कूल ऑन टाइम उसको समय पर स्कूल पहुंचाने में बाय डिफरेंटिंग बिटवीन नेमिंग एंड डूइंग वर्ड्स ये उसको समझाते हुए उसको अंतर बताते हुए नेमिंग वर्ड्स के बारे में एंड डूइंग वर्ड्स के बारे में सबसे पहले आता है बच्चों फोकस स्किल में है एज ए लर्नर आइडेंटिफिकेशन एज ए गेम प्लेयर डिसीजन मेकिंग मटीरियल रिक्वायर्ड में क्या क्या चाहिए डाइस टू पेज रेड एंड ब्लू टू कलर्ड पेंसिल्स रेड एंड ब्लू इंस्ट्रक्शंस एंड लर्निंग आउटकम इनकम नाउ पार्थ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट नेमिंग वर्ड्स एंड डूइंग वर्ड्स ऑन पेज नंबर 168 हियर आर सम न्यू वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल बॉक्स वेयर वी कैप्ट आवर एसेसरीज स्कूल एसेसरीज सामान रखते हैं हम जिसमें स्वेटर यूज इन विंटर सीजन नी पैड यूज फॉर गेम लाइक एज क्रिकेट हेलमेट वाइल प्लेइंग क्रिकेट वी यूज इट एंड टमी मीन्स टू मच Fat and hungry. Now, before starting our lesson, we will discuss about did you know? Responsible people look after their things. Responsible people क्या होते हैं जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं या लोग होते हैं वो हमेशा अपनी चीज़ों की देखभाल करते हैं Responsible people keep their promises. अगर वो किसी से कोई प्रॉमिस या वादा करते हैं तो वो उसको भी निभाते हैं रिस्पॉन्सिबल पीपल डू नॉट ब्लेम अदर्स एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो होता है या लोग होते हैं वो कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करते व्हेन समथिंग हैपन अगर कुछ उनके साथ घटित हो जाता है मींस कि अगर कुछ गलत उन्होंने किया है तो वो कभी इसका इल्ज़ाम दूसरों पर नहीं देते खुद एक्सेप्ट करते हैं इस चैप्टर में हम आज पार्थ के बारे में पढ़ेंगे जो पहले तो रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा उसके साथ होता है कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने लग जाता है नाउ वी डिस्कस आवर चैप्टर पार्थ बिकम्स रिस्पॉन्सिबल पार्थ वाज ए वेरी वेल बिहेव्ड बॉय पार्थ अभी हमने पढ़ा इस लेसन में पार्थ के बारे में पढ़ेंगे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था बट वो जो बच्चा था वेरी वेल बिहेव बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव मीन्स आदर करने वाला था सबका ही हैड गुड मैनर्स उसको अच्छे मैनर्स भी थे ही डिड ऑल हिज स्कूल वर्क वो अपना स्कूल का वर्क कंप्लीट करता था टाइम पर ही हेल्प्ड हिज मदर इन द हाउस घर पर अपनी मामा के काम में मदद करता था देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम मीन्स समस्या उसको सिर्फ एक ही दिक्कत थी समस्या थी ही वॉज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल बॉय वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था जिम्मेदार नहीं था इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज इरिस्पॉन्सिबल वो अपने प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायित्व नहीं था विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट है इरिस्पॉन्सिबल मीन्स अगर रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग है उत्तरदायित्व जिम्मेदार तो इरिस्पॉन्सिबल का मीनिंग होता है गैर जिम्मेदार होना दोनों ही वर्ड आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं
लेट मी टेल यू हाउ ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो किस वे में रिस्पॉन्सिबल नहीं था। हिज ग्रैंड मदर नीटेड हिम ए लवली ब्लू स्वेटर। नीटेड मीन्स बुनना। उसकी ग्रैंड मदर ने उसके लिए एक बहुत ही प्यारा ब्लू कलर का स्वेटर बुना। ही वॉर इट टू द पार्क। वो उसे पहनकर पार्क गया। ही फेल्ट वार्म। वहाँ पर उसने अपने आप को गर्म महसूस किया। सो ही टुक इट ऑफ। वहाँ उसने उतार दिया। यू कैन नाउ गैस व्हाट हैपेंड। अब तुम गैस करोगे क्या हुआ होगा। ही लेफ्ट इट देयर ओनली। उसने वहीं पर ही उसे छोड़ दिया। हिज मदर सेंट हिम बैक टू द पार्क। उसकी मदर ने सेंट मीन्स भेजना वापस भेजा उसे पार्क। जाओ और उसकी टू लुक फॉर इट उसकी तलाश करके आओ। बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट देयर। लेकिन निसंदेह वो वहाँ पर नहीं था। क्योंकि बच्चों हम अगर अक्सर कहीं अगर अपनी चीज़ भूल जाते हैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन हम ढूंढने जाते हैं तो वो हमें उस स्थान पर नहीं मिलती। ये होता है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम जिम्मेदार नहीं हैं। पार्थ यू आर सो केयरलेस। तुम इतने केयरलेस हो। हिज मदर सेट एंगरली। उसकी मदर ने गुस्से से कहा। वट विल आई टेल यू। आई टेल यू ग्रैंड मदर। अब मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर दादी माँ को क्या बताऊँगी। पार्थ फेल्ट बैड फॉर ए वाइल। कुछ देर के लिए पार्थ को बुरा भी लगा। बट सून ही फॉरगॉट। फॉरगॉट मीन्स भूलना। लेकिन जल्दी ही वो इस बात को भूल गया। ही वॉज टू बिजी प्लेइंग ए न्यू वीडियो गेम। अब वह अपना न्यू वीडियो गेम खेलने में बिजी हो गया। द गेम वॉज ए प्रेजेंट फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर। ये जो वीडियो गेम का गिफ्ट था उसको उसके ग्रैंड फादर में दादाजी की तरफ से मिला था। ही हैड ए लॉट ऑफ फन। इससे उसको बहुत सारा का फन मज़ा आता था। देन ही गोट टायर्ड। तो जब वो थक गया ही एंड लेफ्ट इट ऑन द फ्लोर। और उसने उस वीडियो गेम को कहाँ पर छोड़ दिया। उसे फर्श पर। हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर। उसकी मदर ने उसे डिनर रात के खाने पर बुलाया। पार्थ स्टूड अप खड़ा हुआ एंड स्टेप ऑन द वीडियो गेम। और उस वीडियो गेम पर से फिसल गया। इट वेंट क्रैक। जब वह जैसे ही उसका पैर आया उस वीडियो गेम पर वो क्रैक हो गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द गेम। तो यही उसके गेम का जो था अंत हो गया। पार्थ व्हेन विल यू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर थिंग्स। तुम कब अपनी चीज़ों की केयर करना या देखभाल करना सीखोगे। हिज फादर सेट शेकिंग हिज हेड। उसके फादर ने अपना सिर हिलाते हुए पार्थ से कहा। पार्थ फेल्ट बैड फॉर ए वाइल। अब फिर थोड़ी देर के लिए पार्थ को बुरा भी लगा। देन तब ही रिमेम्बर्ड समथिंग एक्साइटिंग। उसने फिर याद किया कि अब कुछ और एक्साइटिंग हो जाए मज़ेदार हो जाए। हिज अंकल वॉज कमिंग ओवर। अब जो है उसके अंकल यहाँ आ रहे थे। हिज अंकल लिव्ड इन अनदर कंट्री। उसके अंकल दूसरी कंट्री में रहते थे। वेन एवर ही विजिटेड देम ही ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स। जब कभी भी उसके अंकल उनके पास आते तो पार्थ के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स उपहार लेकर आते। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पार्थ। क्योंकि वो पार्थ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही ऑलवेज ब्रॉट नाइस थिंग्स फॉर पार्थ। वो हमेशा पार्थ के लिए अच्छी अच्छी थिंग्स वस्तुएं लेकर आते। लास्ट ईयर ही हैड गिवन पार्थ ए लवली पेंसिल बॉक्स। लास्ट ईयर पिछले साल उन्होंने पार्थ को एक पेंसिल बॉक्स गिफ्ट में दिया था। पार्थ रिमेम्बर्ड। पार्थ को याद आया दैट ही हैड लेफ्ट द बॉक्स एट द स्कूल। कि उसने वो पेंसिल बॉक्स को कहाँ पर भूल गया था। स्कूल में ही। देर वॉज ऑल्सो स्मार्ट जैकेट। वहाँ पर उसके पास एक और स्मार्ट जैकेट भी थी पहनने वाली। दैट ही हैड ब्रॉट फॉर हिम। जो उसके अंकल उसके लिए खरीद कर लाए थे। पार्थ हैड फॉरगॉटन दैट इन द स्कूल बस। और पार्थ ने उस जैकेट को कहाँ पर भूल गया। स्कूल बस में भूल गया। पार्थ होप हिज अंकल वुड नॉट आस्क अबाउट दोज थिंग्स। पार्थ को ये उम्मीद थी। होप मीन्स आशा या उम्मीद कि उसके अंकल इन सब के बारे में उससे नहीं पूछेंगे। आई विल बी मोर केयरफुल नाउ। अब तो मुझे और ज़्यादा केयरफुल सावधान होना चाहिए। ही थॉट टू हिमसेल्फ।
उसने अपने आप से सोचकर कहा। पार्थ अंकल ब्रॉट लवली गिफ्ट। पार्थ के अंकल जब आए तो उसके लिए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट उपहार लेकर आए। पार्थ वॉज सो हैप्पी, वो बहुत खुश था। बट द बेस्ट गिफ्ट वॉज ए कम्प्लीट क्रिकेट सेट, लेकिन सबसे अच्छा गिफ्ट था उसके लिए कम्प्लीट क्रिकेट का सेट। देयर वॉज ए बैट, उसमें बैट था, नी पैड थे एंड ए क्रिकेट हेलमेट, इनसाइड क्रिकेट हेलमेट भी था। देयर वॉज ऑल्सो ए ब्यूटिफुल वाइट टी शर्ट, यहाँ तक कि उसके लिए एक अच्छी बहुत सुंदर वाइट टी शर्ट भी थी। पार्थ वोर द नी पैड। पार्थ ने नो वी नी पैड को पहना एंड द टी शर्ट को भी। ही हैड द क्रिकेट बैट, और अपने हाथ में क्रिकेट बैट को पकड़ा। हिज फादर टुक हिज पिक्चर, उसके फादर ने उसकी पिक्चर क्लिक की। पार्थ कुड नॉट स्टॉप स्माइलिंग, वो हंसते हुए नहीं रुका। लुक हाउ हैप्पी ही इज, देखो कि वो कितना खुश है, सेड पार्थ अंकल स्माइलिंग। पार्थ के अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा। यस हिज मदर स्माइल टू, हाँ उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा स्माइल मुस्कुराई। पार्थ पुट एवरीथिंग इनसाइड योर कपबोर्ड, सारी चीज़ों को अपनी कबर्ड के अंदर जाकर रख दो। पार्थ कुड नॉट वेट टू शो द क्रिकेट किट टू हिज। पार्थ ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, जरा भी नहीं रुका अपने दोस्तों को वो क्रिकेट किट को दिखाने के लिए। ही टुक एवरीथिंग टू हिज रूम, वो सारी चीज़ें अपने कमरे में ले गया। बट पार्थ डिड नॉट कीप देम केयरफुली, लेकिन पार्थ ने उन्हें प्रॉपर ढंग से सावधानी से नहीं रखा। ही थ्रू एवरीथिंग ऑन ए चेयर, उसने हर चीज़ को चेयर पर, थ्रू मीन्स फेंकना, फेंक दिया। टुमारो कल, ही थॉट, उसने सोचा, आई विल बी केयरफुल, आज चीज़ें फेंक दी, उसने सोचा कि मैं कल केयरफुल सावधान हो जाऊँगा। आई एम सो टायर्ड नाउ, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुका हूँ। लेटर पार्थ रियलाइज्ड ही वॉज हंग्री, बाद में पार्थ को ये महसूस हुआ कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, भूखा था। ही हैड बीन सो एक्साइटेड, वो इतना ज़्यादा उत्तेजित था, दैट ही हैड नॉट ईटन हिज डिनर प्रॉपरली, कि उसने अपना डिनर रात का भोजन भी अच्छी तरह से नहीं किया था। ही वेंट टू द किचन, रसोई में गया। ही सॉ ए पैकेट ऑफ चिप्स एंड सम बिस्किट्स, उसने कुछ पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड बिस्किट के पैकेट्स देखे। ही टुक बोथ द थिंग्स टू हिज रूम, दोनों चीज़ें अपने कमरे में ले आया। ही एड सम चिप्स एंड सम बिस्किट, कुछ चिप्स खाए और कुछ बिस्किट्स खाए। देन ही लेफ्ट द पैकेट्स ऑन द चेयर, और तब उसने बाकी बचे हुए पैकेट्स को चेयर पर, कुर्सी पर छोड़ दिया। एट नाइट, रात को, ए फैट लिटिल रेट केम आउट, एक छोटा सा चूहा आया, एक मोटा सा। शी कुड स्मेल नाइस, उसने स्मेल की अच्छी चीज़ों की। शी फाउंड, उसने पाया द बिस्किट्स एंड द चिप्स, कि वो स्मेल किसकी थी, बिस्किट्स एंड चिप्स की। शी एट टिल हर टमी वॉज फिल, उसने अपना पेट तब तक खाया जब तक उसकी टमी फिल नहीं हो गई। देन इट लुक्ड अराउंड, तब उसने चारों तरफ देखा। नाउ दिस लिटिल रैट वॉज मेकिंग ए नेस्ट, अब छोटे से चूहे ने अपना नेस्ट घोंसला बना लिया, मीन्स अपना घर बना लिया उस कमरे में। शी सॉ द सॉफ्ट टी शर्ट, उसने उस सॉफ्ट टी शर्ट को देखा जो उसके अंकल लाए थे, एंड नाइस नी पैड, और उन नी पैड्स को भी। शी सॉ द सॉफ्ट फॉर्म इन द हेलमेट, उसने हेलमेट में भी देखा कि उसमें सॉफ्ट फॉर्म लगी हुई है। दीज विल डू नाइसली टू मेक माई नेस्ट सॉफ्ट, ये सब चीज़ें उसके नेस्ट को बनाने में मदद करेंगी। सो इट बिट ऑफ पीसेस फ्रॉम द, इसीलिए उसने उसमें से छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए, किसने, उस फैट रैट ने। व्हेन पार्थ वोक अप, जब पार्थ उठा, ही सा, उसने देखा, व्हाट हैड हैपन्ड, क्या घटित हुआ था। ही क्राइड सो लाउडली, वो इतनी तेजी जोर से चिल्लाया, दैट एवरी वन कम रनिंग, कि हर कोई दौड़ता हुआ उसके कमरे में आ गया। दे सा द बिटन टी शर्ट, उन्होंने उस टी शर्ट को देखा, बिटन टी शर्ट को, एंड पैड विद होल्स, और उस पैड में भी क्या थे, छेद, होल मीन्स छेद। देन दे सा
द पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड बिस्किट। तब उन्होंने उस बिस्किट और पैक चिप्स और बिस्किट के पैकेट्स को भी देखा। पार्थ मदर शुक हर हेड। पार्थ की मदर ने सिर हिलाया। आई टोल्ड यू टू लुक आफ्टर योर थिंग्स। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अपनी चीज़ों की केयर किया करो। पार्थ वॉज वेरी सेट। अब बहुत ज़्यादा दुखी था। हिज मदर फेल्ट बैड फॉर हिम। उसकी मदर को भी उसके लिए बहुत बुरा लगा। बट शी न्यू, लेकिन वो जानती थी पार्थ हैड लर्न टू लुक आफ्टर हिज थिंग्स, कि पार्थ को सीखना चाहिए कि कैसे अपनी चीज़ों की केयर करते हैं। पार्थ लर्नड हिज लेसन दैट डे। उस दिन पार्थ ने लेसन सीखा। ही बीकेम वेरी रिस्पॉन्सिबल। वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गया उस दिन से। एंड स्टार्टेड कीपिंग हिज थिंग्स केयरफुली। और उसने अपनी चीज़ों को सही ढंग से रखना भी शुरू कर दिया। ही केप्ट हिज टॉय ऑन द शेल्फ। वो टॉयज़ को शेल्फ पर रखता। ही नेवर एट एनीथिंग इन हिज रूम। अपने कमरे में कभी कुछ नहीं खाता। हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी। उसकी मदर बहुत खुश थी। वैन शी सा दिस चेंज। जब उन्होंने पार्थ में इस तरह का चेंज देखा। शी वॉज सो हैप्पी। वो इतनी ज़्यादा खुश थी दैट शी ब्रॉट पार्थ ए न्यू क्रिकेट सेट। तो उन्होंने पार्थ को क्या लेकर दे दिया, एक नया क्रिकेट सेट लेकर दे दिया। यही था कि पार्थ में चोट खाकर कैसे रिस्पॉन्सिबल होना सीखा। सो स्टूडेंट, सेम वे अकॉर्ड लाइक पार्थ की तरह वी ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए अपनी चीज़ों के प्रति। हमें भी केयरफुल होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर कंप्लीट फर्स्ट प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट। इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उनको देखना है कि ये प्रॉपर में है या नहीं है। देन अरेंज द सेंटेंस। कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आपने लेसन को रीड करके अरेंज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, हु सेड द फॉलोइंग। ये सेंटेंसेस है कुछ, इनको पढ़कर आपने ये नोटिस करना है, बताना है कि ये किसने किससे कहे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, चूज द राइट आंसर। मीन्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नीचे इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इन पे जो टिक लग आंसर राइट लगता है उस पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव है फिलअप्स। आपको हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनमें से आपको फिलअप्स में फिल करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट ट्रू फॉल्स। आपको सेंटेंस पढ़कर इनके ट्रू फॉल्स मेंशन करने हैं। फिर नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन टू टेन, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको इनके आंसर्स देने हैं। नाउ वी विल डिस्कस आवर कंसेप्ट कनेक्शन इन दिस टॉपिक। द टॉपिक इज टेंस। अब हम अपने इस चैप्टर में कंसेप्ट कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस मीन्स वर्ब एक्शन। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पार्थ को किसके बारे में पढ़ना है, डूइंग वर्ड्स के बारे में। नाउ स्टार्ट। व्हेन वी यूज एक्शन वर्ड्स और वर्ब, जब हम एक्शन वर्ड को यूज़ करते हैं या वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया का यूज़ करते हैं, वी यूज टेंसेस टू शो डिफरेंट टाइम्स। तो हम टेंसेस का यूज़ करते हैं अलग अलग समय को दर्शाने के लिए कि कौन सा काम कब और किस समय हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्लेड इन द पार्क। अब इसका मीनिंग है कि मैं पार्क में खेला था, क्योंकि यहाँ पर जो प्ले है उसके साथ हमारा टेंस की सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है, प्ले प्लस ईडी। अब ये था हमारा जो टेंस था, ये था सिंपल पास्ट टेंस। अब है आई प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलता हूँ। अब ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, खेलता हूँ एट मीन्स वर्तमान काल का। आई विल प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलूँगा। ये है हमारे फ्यूचर टाइम को शो करता है। तो स्टूडेंट, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन द फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, द वर्ड प्लेड टेल्स अस, जो ये वर्ब थी या वर्ड था जो प्लेड, ये हमें बताता है दैट एक्शन इज ओवर, कि काम जो है हमारा ख़त्म हो चुका था। इन द सेकेंड सेंटेंस, जो अभी मैंने सेकेंड सेंटेंस पढ़ा था,
द वर्ड प्ले, जो प्ले शब्द है, टेल्स अस द एक्शन इज डन यूजली, ये रोजाना होता है. एंड द थर्ड सेंटेंस, द वर्ड विल प्ले, जो इसमें ये शब्द आया है विल प्ले, टेल्स अस, हमें ये बताता है दैट एक्शन विल डन इन द कमिंग टाइम, कि ये जो है काम जो है आने वाले समय में ख़त्म होगा. सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट द टेंस ऑफ डूइंग वर्ड और वर्ब शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि टेंस डूइंग वर्ड का जो टेंस है या वर्ब का जो टेंस है हमें ये दर्शाता है, ये बताता है द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि काम का समय, कि काम कब और किस समय पर होता है. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कितने तरह के टेंस होते हैं, तीन तरह के. कौन कौन से? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सिंपल पास्ट टेंस. क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस? द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन कम्प्लीटेड इन द पास्ट. पास्ट टेंस में हम उस एक्शन के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हमारा जो एक्शन है वो पहले ही कंप्लीट ख़त्म हो चुका है. मीन्स कि अब नहीं, बीते हुए समय में भी वो हमारा काम जो है ख़त्म हो चुका था. जैसे वी प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक, हमने फुटबॉल कब खेला था? पिछले सप्ताह, लास्ट वीक में खेला था. आई रिसीव दिस पार्सल लाई लास्ट वीक, मैंने इस पार्सल को कब प्राप्त किया था? लास्ट वीक में. आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था. संगीता वॉक्ड होम फ्रॉम द मार्केट, संगीता कहाँ गई थी? घर से मार्केट की तरफ चली गई थी. ये मीन्स इसमें जो एक्शन है वो वर्तमान समय में ख़त्म नहीं होता, मीन्स बीते हुए समय में ही ख़त्म हो चुका होता है. नाउ स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस, वो हमें बताता है दैट एन एक्शन में हैपन यूजुअली, कि एक्शन जो है यूजुअली अक्सर हैपन मीन्स घटित होते रहते हैं. सच एन एक्शंस कैन बी ए हैबिट, इस तरह के एक्शंस में जैसे हैबिट हो सकती है, ए हॉबी हो सकती है, डेली इवेंट हो सकता है, और समथिंग दैट हैपन ऑफन, और कुछ ऐसा जो प्राय घटित होता हो. इट कुड ऑल्सो बी यूज फॉर एन एक्शन, इसको एक ऐसे एक्शन काम के लिए भी यूज किया जा सकता है विच इज़ एन ऑर्डर और सम इंस्ट्रक्शन, जिसमें कुछ ऑर्डर्स हों या कुछ इंस्ट्रक्शंस निर्देश दिए हों. सो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स. माय फादर विजिट द चर्च एवरी संडे, मेरे फादर हर संडे को कहाँ पर जाते हैं? चर्च, ये उनकी आदत है, हैबिट है ये. वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोजाना कहाँ जाते हैं? स्कूल. आई ईट माई डिनर अर्ली, मैं अपना डिनर कब लेता हूँ? जल्दी से ले लेता हूँ. माई मदर टेल्स मी नॉट टू बी नोटी, मेरी मदर कहती है कि शरारती नहीं होना चाहिए. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस फैक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज तथ्यों को बताने के लिए भी, फैक्ट मीन्स तथ्य, तथ्यों को बताने के लिए भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ से उगता है? हमेशा ईस्ट से. ये यूनिवर्सल फैक्ट है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. नाउ वी विल डिस्कस सिंपल फ्यूचर टेंस. अब फ्यूचर टेंस क्या होता है बच्चों? द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच विल हैपन इन द कमिंग टाइम. फ्यूचर टेंस का यूज उन एक्शंस को बताने के लिए होता है जो ना तो बीते हुए समय में डन किए हुए होते हैं ना वर्तमान समय, लेकिन वो एक्शन वो काम कब ख़त्म होते हैं? आने वाले समय में, अभी वो समय आया नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर विल गो टू लंदन टमारो, मेरे फादर लंदन कब जाएंगे? ना तो वो जा चुके हैं ना वो जा रहे हैं. जाएंगी, कब जाएंगी मीन्स कल जाएंगी. तो ये जो है आने वाले समय को
टेंस इंडिकेट करता है। वी विल गिव गिफ्ट ऑन क्रिसमस, हम क्रिसमस पर गिफ्ट देंगे। वी विल विन द मैच, अभी मैच हुआ नहीं है लेकिन हम मैच जीत जाएंगे, आने वाले समय की बात हो रही है। सो स्टूडेंट, आफ्टर रीडिंग द कंसेप्ट कनेक्शन, ट्राई टू कंप्लीट योर प्रैक्टिस जोन टू। इसमें आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको ये हेल्प बॉक्स में वर्ड दे रखे हैं, इनको चूज करना है, जो करेक्ट होगा उस पर आपको टिक करके फिल्ड्स में फिल करना है। एंड क्वेश्चन नंबर टू जो है, रीड द सेंटेंस एंड टिक द करेक्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंटेंस रीड करना है और इसमें जो वर्ब दी हुई है वो आपको इंडिकेट करनी है कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, पास्ट टेंस की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की। आपको जो आंसर सही लगता है उसका, उस पर आपको टिक करना है। डू एंड डॉक्यूमेंट भी आपको खुद अपने आप से करना है। ऑन पेज नंबर 182 पर है एप्लीकेशन, इसमें है टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल। हमें रिस्पॉन्सिबल होने के महत्व को समझना है। इसके लिए आपको कुछ दो तीन आपको टॉपिक दे रखे हैं, वो आपको करने, जैसे राइट 5 लाइंस टू शो आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए आपको इसके ऊपर 5 लाइंस लिखनी है। ड्रा एंड कलर ए पिक्चर दैट शो ए पर्सन डूइंग समथिंग रिस्पॉन्सिबल, या आपको एक ड्रॉ करनी है पिक्चर और उसको कलर करके बताना है कि पर्सन कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अपनी चीज़ों को रखने में। राइट 2 लाइंस, या इसके ऊपर आपको 2 लाइंस लिखनी है। एंड ऑप्शन में थर्ड में है रीसाइट ए पोएम ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो फिर जिम्मेदार की महत्वता पर आपको एक पोएम रिसाइट करनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।